हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्रिप्टो। अभी के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश जोन के अंदर जा चुका है। 2.73 ट्रिलियन तक मार्केट क्या प्लस 7-8% के आसपास जो है मार्केट के अंदर एक हाइप देखने को मिला। तो क्या इस बुलन के अंदर या तो अभी के टाइम पे जो रैली हम लोग को देखने को मिला है, क्या ये फोमो है, क्या न्यूज है जिसकी वजह से यहाँ पे एक मार्केट के ऊपर एक जबरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। पूरी ऑल्ट मार्केट को अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे एक अच्छा खासा मूवमेंट के अंदर 30-20% के आसपास सारे ऑल्ट जो है यहाँ पे मूवमेंट दे चुके। तो क्या ये जो मूवमेंट है वो यहाँ पे रहेगा या ये एक फोमो था जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्लस आज की इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आप लोग का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए इस बुलन के अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही प्रॉफिटेबल कॉइन जो है आप लोग के साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहले बार करें विजिट तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही न्यूज एंड अपडेट कोई भी जाम का इन हो जिसके ऊपर हम लोग टाइम टू टाइम वीडियो लेके आते रहते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें, जो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था, अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा हुआ टू मीम बिटकॉइन के अंदर हम लोगों ने बात किया था, जो लिस्टिंग यहाँ पे होने वाला था जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था बिटकॉइन की प्राइस लगभग हमारा जो जोन था, हमने ये दो जोन यहाँ पे क्रिएट किया था जो मंडे के दिन हम लोग को दिखना चाहिए। एंड यहाँ पे हम लोगों ने सिक्योरिटी लिया था कि लगभग 65,000 से नीचे अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे आता है तो एक जो है बेरिश जोन के अंदर हम लोग जा सकते हैं। 8,000 से ऊपर यहाँ पे मार्केट रहता है। एंड उसी की बात में अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे आया। एंड यहाँ पे लगभग 71,900 मतलब 72,000 तक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे टच हुआ। एंड उसके बाद में ये एक डंप देखने को अभी के टाइम पे मिल रहा है। प्लस यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे बिटकॉइन की फियर एंड ग्रीडी की इंडेक्स 76% तक यहाँ पे आ चुका है। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा जो है अभी के टाइम पे मार्केट के ऊपर थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बिटकॉइन की थोड़ा सा सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि 72,000 यहाँ पे हिट करने के बाद अभी जो लाइव प्राइस है वो लगभग 71,000 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। एंड इथेरियम के ऊपर जो है सबसे ज्यादा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला है। एंड ये जो बुलन अभी के टाइम पे एक बुलिश जोन के अंदर मार्केट गया है, एंड वो जो था ये था इथेरियम ETF की जो अप्रूवल था वो यहाँ पे जो है अप्रूवल होने वाला था, जो 18% यहाँ पे जंप हुआ। एंड इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, SEC ने आज एक आर्टिकल के अंदर 19B4 ये एक फाइल है जहाँ पे इनको दिया है, जहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे ETF को अप्रूवल के लिए भेजना चाहते, जो ETF के लिए अप्लाई करना चाहते तो वो यहाँ पे फिलअप इसको कर रहे। एंड यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है बूमब्लार्क हो गया, एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एरिक हो गया, जेम्स हो गया, तो ये जो सारे जो है ये एक अप्रूवल की जो ETF की जो अप्रूवल है वो जो इथेरियम ETF की जो अप्रूवल था उसको जो प्रायोरिटी है वो जो प्रेडिक्शन है इनका यहाँ पे 25-75% इनकी यहाँ पे बढ़ गया है। एंड जिसकी वजह से यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा हाइप हम लोग को देखने को मिला। प्लस यहाँ पे देखिए इसका जो अंदाजा था वो पहले से यहाँ पे लोगों को पता था कि ETF की जो अप्रूवल है इथेरियम की वो यहाँ पे शायद इसी वीक के अंदर यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इथेरियम की जो ETF की अप्रूवल है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन झंडा जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एनीवे यहाँ पे इथेरियम की अप्रूवल होए या ना होए उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, लेकिन इथेरियम के अंदर एक बड़ा हाइप हम लोग को देखने को मिल गया। वो क्यों, देखिए देखिए आप लोग यहाँ पे समझिए कि इथेरियम की अप्रूवल हो या ना हो, लेकिन बिटकॉइन की अप्रूवल तो यहाँ पे ETF की यहाँ पे हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं आगे जाके भी इथेरियम की अप्रूवल यहाँ पे आ जाएगा। एक बार अगर यहाँ पे लिस्टिंग हुआ है कि इसको अप्रूवल करने के लिए, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है इसका अप्रूवल जरूर यहाँ पे आगे जाके आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो हवा था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर एक जबरदस्त एक इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला। प्लस यहाँ पे अगर आप लोग मेरे वीडियो को लगातार यहाँ पे वॉच करते, जिसके ऊपर हम लोग लगातार आप लोग के साथ में डिस्कशन करते कि देखिए US डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मार्क कीजिए, एंड उसकी जो यहाँ पे हरकत है उसके ऊपर अगर आप लोग मार्क रखेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग को पूरा मार्केट की जो अंदाजा है वो आप लोग को यहाँ पे लग जाएगा। एंड अभी अगर आप लोग देखेंगे हमने यहाँ पे 4 आवर्स की चार्ट है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये जो जोन था कि करेंसी इंडेक्स है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ आप लोग को देखने को नहीं मिला, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कोई बड़ा फ्लक्चुएट हम लोग को देखने को नहीं मिला। लेकिन ये मेरे को ऐसा लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो यहाँ पे 71 तक यहाँ पे
जंप कर गया है। एंड यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स है वो यहाँ पे प्रॉपरली 104 के नीचे यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन अभी जो आप लोग कंडीशनली देखेंगे यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम हम लोग को यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर देखने को नहीं मिला है। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर एक बड़े फमो जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया है कि मार्केट के ऊपर ये जो इथेरियम की ETF की हवा था उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा चढ़ा के इसको जो है हाइप के अंदर लिया गया है। मार्केट के ऊपर एक ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखेंगे ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था लगभग 71,500 एंड इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाए। इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद ये फिर से जो है प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बुल जो अच्छी न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे अगर बिटकॉइन की प्राइस इसी जोन के अंदर यहाँ पे रहता है 69,000 से लेके 71,000 के अंदर तो ऑल्ट के अंदर एक सुपर बुलिश मूवमेंट जो है हम लोग को इस रैली के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम पे कुछ ऑल्ट है जिसके अंदर आप लोग को यहाँ पे फोकस करना चाहिए। एंड बिटकॉइन के अंदर अगर आप लोगों ने एंट्री किया था तो वेल एंड गुड, बिटकॉइन तो यहाँ पे एवरग्रीन है प्लस यहाँ पे एक बुल रैली के अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे न्यूज एंड अपडेट कोई भी जाम का न्यूज जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लगातार आप लोग के साथ में शेयर करते रहते हैं। एंड अभी के टाइम पे इथेरियम की प्राइस लगभग $3,641 तक यहाँ पे हिट हो चुका है। एंड इस बुलन की एंड तक इथेरियम की जो प्राइस है वो $20,000 तक यहाँ पे जाने की उम्मीद आप लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। एंड इथेरियम जो है एवरग्रीन है क्योंकि बिटकॉइन की बात में अगर किसी कैन को यहाँ पे देखते हैं तो वो यहाँ पे इथेरियम माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखिए। एंड टॉप 5 ऑल्ट कैन जो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले, वो जो सबसे पहला कैन है वो है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम अभी के टाइम पे लगभग अगर आप लोग देखेंगे 0.9 सेंट तक यहाँ पे टच किया था एंड उसके बाद में इसके ऊपर एक हाइप देखने को मिला था, लेकिन ये टोकन एक जबरदस्त प्रॉफिट आप लोग को बुल रन के अंदर दे सकता है। 46 नंबर रैंक के ऊपर ये यहाँ पे रैंकेड है। प्लस यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसका थोड़ा सा जो मार्केट के ऊपर जो टोकन था वो थोड़ा सा अनलग हुआ था, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर एक हाइप हम लोग को देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बुल रन के अंदर इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग $10 तक आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टोकन है वो है पाइथ नेटवर्क, 0.49 सेंट के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। 38 सेंट तक भी ये टोकन यहाँ पे गया था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र जरूर रखिए एंड इस टोकन को होल्डिंग बनाते हुए चलिए। एंड इस टोकन का जो टारगेट है हम लोग यहाँ पे लगभग तो $5 तक यहाँ पे लेते हुए इस टोकन को यहाँ पे चल रहे हैं। तो देखते हैं इस बुलन के अंदर ये कितना प्रॉफिट यहाँ पे देता है। एंड पाइथ नेटवर्क के ऊपर हाइप जो है वो अभी तक यहाँ पे जो है एक आया नहीं है जो हाइप हम लोग यहाँ पे उम्मीद करते थे। नेक्स्ट जो टोकन है वो है मांटा नेटवर्क, इसको आप लोग को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। $1.16 के अंदर चल रहा है एंड अभी के टाइम पे लगभग 1.4 सेंट के आसपास इसने टच किया था। एंड इसको जो है सारे जो यूट्यूबर है प्लस यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बेल्स है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको मानते हैं। इस टोकन के अंदर एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो इस टोकन की जो टारगेट है हम लोग $10 तक यहाँ पे लेके चल रहे हैं एंड यहाँ पे ये टोकन दे सकता है। नेक्स्ट जो टोकन है वो है स्टार्कनेट, ये एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है लेयर 2 के ऊपर ये काम करते हैं। 1.2 सेंट अभी के टाइम पे चल रहा है, $1 तक इसके लगभग यहाँ पे डंप हुआ था एंड अभी के टाइम पे ये एक जबरदस्त बाइंग जोन के अंदर है। एंड अभी अगर इसको बाय करना चाहते तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, 1.20 सेंट के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। 10% ही सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर मोमेंट देखने को मिला है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप लोग को नज़र रखना चाहिए। जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है जुपिटर। जुपिटर एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इसको माना जाता है। सोलाना के ऊपर जितने भी मीम कहनाते हैं तो वो जो है इनके एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे आ जाता है। तो 0.22 सेंट के अंदर ये ट्रेड हो रहा है एंड इसका अगर हम लोग बात करें 1.1 सेंट के आसपास एक ज़बरदस्त एंट्री जोन बन रहा है। 0.2% अभी भी यहाँ पे मोमेंट के अंदर गया है, कोई बड़ी मोमेंट इसके ऊपर देखने को नहीं मिला है। एंड ये टोकन
टोकन को जो है आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, $5 तक हम लोग इस टोकन को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉइन है जिसके ऊपर अभी के टाइम पे आप लोग को नज़र रखना चाहिए। बाकी हमारे चैनल के ऊपर हम लोगों ने जितने भी टोकन को आप लोग के साथ में शेयर किया था उसके ऊपर एक ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर गेन हुआ है। कोटि कॉइन भी आप लोग को यहाँ पर फोकस करने के लिए बोला था, 22-25% के आसपास उसके ऊपर भी मूवमेंट हुआ है, लेकिन कोटि के ऊपर न्यूज़ है जिसकी वजह से ये भी एक ज़बरदस्त हाइप के अंदर जा सकता है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अभी के टाइम पे आप लोग यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर भी ये टोकन आप लोग को प्रॉफिट दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।